भारत न्यूज़ को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। न्यू अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करो। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ के निर्देश पर मुंबई के चेंबूर इलाके में सुभाष नगर में राजीव गांधी भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश हेगड़े ने लोगों को कोरोना से बचने का उपाय बताया। वहीं मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज रामकिशोर त्रिवेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर दिनेश हेगड़े ने 6 माह तक लगभग 300 लोगों को कोरोना से नया जीवन दान दिया है। वहीं मुंबई कांग्रेस की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वहीं मशहूर कलाकार धर्मेंद्र खरवार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे ही कलाकारों की हमारे देश को ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज़। आप जहां भी बाहर निकलेंगे उस समय आपको मास्क हमेशा पहनना है, 6 फुट की दूरी लोगों से रखना है और आम लोग ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ग्लव्स आप पहने जब आप बाहर जा रहे हैं, वो भी नाइट्राइल ग्लव्स होता है, बहुत सस्ता मिलता है, ये कोई महंगा ग्लव्स नहीं है। क्योंकि कोरोना का पेशेंट जो जिसको कोरोना हुआ है वो कहीं भी लगाता है, कोई चीज को हाथ लगाता है और वहाँ पर आप हाथ लगाते हैं तो कोरोना के कीटाणु आपके हाथ पे आ सकता है। और आप जब भी आपके मास्क को या मुंह को हाथ लगाते हैं तो कोरोना आपको हो सकता है। दूसरा बात ये है कि आपको जब भी बहुत गर्दी वाला जगह पर जाएंगे, जैसे मॉल में होगा, रेलवे स्टेशन पर होगा, तो आपको फेस शील्ड आपके साथ रखना है। और जहाँ ज़्यादा गर्दी है वहाँ पर मास्क के साथ में आपको फेस शील्ड पहनना ज़रूरी है। फेस शील्ड आपको अगर कोरोना का कोई पर्सन बात करता है तो आपके डायरेक्ट मास्क पर और मुंह पर उनका कीटाणु उठने से आपको फेस शील्ड बचाती है। हम याद नहीं रहता है कि हर एक आदमी कैंपेन को देखकर बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। और जिस तरीके से कैंपेन इन्होंने चलाया, ये तो एक कार्यक्रम है। एक्चुअल में इन्होंने जो मेहनत की है रातों दिन, उसकी इनकी तारीफ की जानी चाहिए। और मेरे पास वो शब्द नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पे मुंबई में रह करके जो काम किया है कोरोना से बचाने के लिए, क्योंकि एक समय ऐसा था कि मुंबई नंबर 1 पर चल रही थी, आज भी मुंबई में कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन इन डॉक्टरों की मेहनत का परिणाम है कि हमने यहाँ कोरोना पर कंट्रोल करने में सफलता पाई। देखिए, डॉक्टर दिनेश हेगड़े जी कर्मठ व्यक्ति हैं, कोरोना से लड़ने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हुए हैं और आज के प्रयास में जिस तरह से इन्होंने धर्मेंद्र खरवार के डांस की प्रस्तुति कराई है, उसको लेकर निश्चित तौर पे काफ़ी अवेयरनेस फैलेगा। और जिस तरह अभी इन्होंने पहले भी बताया है कोरोना से लड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो उन्होंने सारी चीज़ें खुल के बताई हैं। डॉक्टर साहब की जो इच्छा है और जो वो काम कर रहे हैं उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुंबई को कोरोना से मुक्त करने के लिए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं, वैसे ही आगे इसी तरह चलते रहें। थोड़ा हट के सवाल है, कंगना रनौत का जो मामला चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं क्या कहते हैं? हमारे का डांस जो प्रोग्राम रखा है, क्योंकि उनके फॉलोवर्स बहुत हैं और उसके माध्यम से वो जो फॉलोवर्स देखेंगे उनको भी कोरोना का अवेयरनेस होगा, लोगों को कोरोना के बारे में मालूम पड़ेगा। और हम जैसे बम्बई में, जैसे त्रिवेदी जी ने कहा कि हम बम्बई में इसको रोक पाए हैं क्योंकि नंबर 1 था, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है कोरोना संक्रमण। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के वजह से ही हम गली गली जाकर के हम लोगों का कैंप लगाए, 3-4 जगह पर हम कैंप लगाए कोरोना का, और उनको हम अवेयरनेस कराए कि भाई कैसे बचना है, क्या करना है, उनका चेकअप किया और जिनको ज़रूरत थी उनको दवाइयाँ भी दी। और इस तरीके से वर्षा गायकवाड़ ने धारावी में
बहुत बढ़िया कार्यक्रम करके पूरा लोगों का चेकअप करा के स्वैब टेस्ट करा करके धारावी का जो रोग पाए हैं वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कोरोना को किस तरीके से रोक सकते हैं। तो मैं वर्षा गायकवाड़ जी का और डॉक्टर दुबे का मैं बहुत आभारी हूँ इसके बारे में। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ जगहें ऐसी हैं जो ना मास्क लगाते हैं ना कोरोना का पालन करते हैं, बिना सैनिटाइजर के लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और पुलिस भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक दिन में 27 लाख रुपया मास्क न पहनने से ये फाइन कलेक्ट किया हुआ है। 200 रुपया मास्क न पहनने का फाइन है और इसको और सख्ती से बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को करना चाहिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, ताकि लोग मास्क पहनने के लिए भूले नहीं और उनको ये मालूम पड़े कि फाइन बार बार देना पड़ता है अगर मास्क न पहने। 12 मिलीग्राम सुबह शाम दो दिन डॉक्सीसाइक्लिन करके एक कैप्सूल आता है जो सुबह शाम 5 दिन और जिंकोविट करके जिंक और बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल आती है ये भी 5 दिन। ये लोगों में बांटने का उन्होंने जिसको भी ऐसा लगता है कि कोरोना का संक्रमण हो सकता है तो ये एडवांस में ये टैबलेट्स दे रहे हैं जिससे कॉम्प्लिकेशन कोरोना का होने से बच रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने इसको बहुत जोर तरीके से किया है जो हम यहाँ 3 महीने से लोगों पे वापर रहे हैं, इवन बांग्लादेश में इसको वापरा है और इससे रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करो।